इतना ज्यादा कर दिया, अभी सब लोग अपना अपना सूट चुका रहे हैं। सबका बात। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आप लोग से बता, तो एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही मायूसी से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि भाई लोग सब लोग जा रहे हैं घर। चेक दिस आउट, इतना ज़्यादा सामान है। मनोज भाई जा रहे हैं और दीपक भाई और शंभू भाई आ रहे हैं और एक मामू है। मामू तो अभी लेट से निकलेंगे, दरअसल इन लोगों का टिकट है पनवेल से, तो पनवेल जा रहे हैं छोड़ने के लिए। और हम बाबू भाई नहीं जा रहे हैं। बाबू भैया बहुत ही प्यार है बाबू भैया। आज अभी हम लोग की ये ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है स्टेशन से हो रही है, और थाना स्टेशन है। अभी टिकट वगैरह भी नहीं निकला है, सो आते हैं टिकट वगैरह निकल के चलते हैं पनवेल। पनवेल मिलते हैं आपसे आराम से रास्ते में। चलिए तो गाइस, अभी शंभू भाई और दीपक भैया आ चुके हैं, टिकट वगैरह हो चुका है। देखिए सब लोग यहाँ पे हैं और अभी निकल रहे हैं हम लोग आगे के लिए। सामान वगैरह देख लीजिए कितना ज़्यादा है। मामू नहीं आए, एक मामा आएंगे, वो नहीं आए। बाबू भाई यहाँ पे हैं और शंभू भाई वहाँ पे हैं। और अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग पनवेल ट्रेन के लिए, मतलब जो 10 नंबर पर लगती है। सो चलते हैं आगे, आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस सभी पनवेल पहुँच चुके हैं और गाड़ी आ चुकी है पनवेल गोरखपुर एक्सप्रेस, जो कि इसका नंबर है गाड़ी नंबर है 15066। ये इधर से जाने का है और उधर से गोरखपुर से आने का इसका है 15065। तो आ गई है, अभी इन लोगों का सीट है एस टू में है, एसी में नहीं है। देखिए अभी किधर कितना टाइम में आएगी। ये देखो भाई साहब, ये देखिए शंभू भाई, हाय हाय शंभू भाई, हाय हाय मनोज भैया। अभी देखिए यही लोग जा रहे हैं, इतने लोग, अभी एक मामा नहीं आए हैं। लगता है छूट जाएंगे या फिर आएंगे, तो अच्छी बात है, वरना फिर छूटेंगे और क्या। और गाइस अभी आ गई है, अभी देखिए इन लोगों को चढ़ाते हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे अपने रूम की तरफ। और काफ़ी मस्त में है ट्रेन में, हम लोग दिख रहे हैं। हाँ दिख रहा हूँ भाई, मैं तो दिख रहा हूँ भाई। आ गई, तो गाइस ये लोग को बैठा दिए हैं, सीट वगैरह इनका मिल चुका है। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, चलिए बाहर। देखिए कितना ज़्यादा कर दिया, अभी सब लोग अपना अपना सीट चुका रहे हैं। सबका बात होगा, चलिए निकलते हैं। गाइस सोलो को छोड़ के अभी हम लोग निकल चुके हैं आगे। और आप लोगों से बताओ तो हमारा जो है टिकट है प्लेटफॉर्म का, इसलिए 2 घंटे का एडजस्ट है। और अभी निकल रहे हैं हम लोग आगे के लिए। अभी ट्रेन जाएगी 20 मिनट बाद में खुलेगी, इसका 3:50 पे टाइमिंग है यहाँ से निकलने का। सो शायद अपने टाइम से ही जाए। और मैं हूँ और बाबू भाई निकल रहे हैं, तो निकलते हैं अभी लोकल की तरफ, लोकल में चढ़ते हैं। गाइस आप लोगों से बताओ तो अभी ट्रेन में चढ़ चुका हूँ, और आप लोगों से बताओ तो गाइस ये ट्रेन लग चुके हैं पनवेल थाना, जो कि आप लोगों को पता होगा भाई भाई की ट्रेन निकल चुकी है। गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस थी जो कि निकल गई है अभी, और वो शायद अभी कलमबोली पहुंचने वाली, कलमबोली भी पार कर दी होगी तालावजा साइड। और भाई ये चला गए तो थोड़ा बहुत मायूसी सा हो रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, पता नहीं आप लोग से क्या ही बता रहे। कोई बात नहीं, मेरे को तो एक ना एक मेरे को भी घर जाना ही है, तो अभी चलते हैं। ये गाड़ी खुलती है, देखिए कितना टाइम में खुलेगी। टाइमिंग वगैरह वहाँ पर चेक करता हूँ, आप लोग टाइमिंग चेक कर सकते हैं कि कुछ 4:14 पर खुलेगी गाड़ी थाने के लिए, इसलिए थाने वाले में बैठे हैं। सो अभी निकलती है, फिर मिलते हैं आपको। गाइस मैं भी पहुंच चुका हूं थाना, दरअसल उससे बता दो तो मेरा हुआ है टिकट चेक इन। और अभी चेक दिस आउट कितना ज़्यादा भीड़ है। अभी बाबू भैया डिसाइड करेंगे पैदल जाएंगे हम लोग या फिर जाएंगे बस से। अभी देखिए चलते हैं, निकलते हैं आगे, आगे कहीं पर मिलते हैं।